आज ही के दिन एक वर्ष पूर्व 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के जवानों पर जो आतंकी हमला हुआ था और भारत ने उस हमले का जवाब बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके दिया था, उस संबंध में उत्तर प्रदेश के जिला बरेली से हमारा बुद्धिजीवी वर्ग क्या सोचता है और आम जनता के क्या विचार हैं, इसी के साथ कहीं वैलेंटाइन डे के खुमार में क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिकों ने उन शहीदों की कुर्बानियों को भुला तो नहीं दिया है। पुलवामा हमले की बरसी पर ABP9 न्यूज की खास रिपोर्ट, संवाददाता बिमलेश शर्मा, ABP9 न्यूज, बरेली, उत्तर प्रदेश। जैसा कि मैडम आप जानती हैं, आज 14 फरवरी का दिन है और आज एक बहुत ही विशेष घटना घटित हुई थी यहाँ पर, उस घटना के बाद संबंध में आपको क्या जानकारी है? 14 फरवरी का दिन हमारे लिए बहुत ही काला दिन है। आज का दिन, एक वर्ष पहले पुलवामा में एक अटैक हुआ था, शायद आपको जानकारी होगी, जिसमें हमारे 40 सैनिक करीब हताहत हुए थे और बहुत दर्दनाक वो दिन था, बहुत काला दिन था वो हमारे लिए। आप उनके परिवारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके परिवारों को संदेश देना चाहूँगी कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं और ये कहना चाहूँगी कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूती से इस पक्ष को देखें, मतलब गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे और इस चीज़ से बिल्कुल भी हताहत ये परेशान ना हो कि आने वाले समय में ऐसा ही होने वाला है। हमारी गवर्नमेंट भी काम कर रही है और हमारे बहुत सैनिक ऐसे हैं जो अभी भी उसी पूरे दृढ़ संकल्प के साथ में वहाँ डटे हुए हैं। तो अभी आपने देखा है बुद्धिजीवी वर्ग से जो हमने वार्तालाप किया 14 फरवरी के बारे में, आम जनता की राय कुछ और थी, अधिकतर लोगों ने हमें वैलेंटाइन डे के बारे में बताया, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसे उस बारे में जानकारी है कि एक साल पहले 14 फरवरी 2019 को जो हमारे सैनिक हताहत हुए थे उनके लिए कितना पीड़ा है, कितना दर्द है। पाठक जी जो है शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत हैं और ये आज जो 14 तारीख है उसके संबंध में ये कुछ बताना चाहेंगे। मैं आज के दिन ही हमारे देश में बहुत ही दुखद घटना घटित हुई थी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जागरूक हैं कि ऐसी घटना कभी घटित ना हो। आज के दिन हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में पुलवामा का अटैक हुआ था, इसमें लगभग 40 सैनिक शहीद हो गए थे, जो कि बहुत ही दुखद है और उन सभी शहीदों के लिए हमारी तरफ से बहुत ही अस्थित श्रद्धांजलि हम देना चाहेंगे और उनको नमन करना चाहेंगे। तो अब हमारा पड़ाव धीरे धीरे आ चुका है ग्राम पंचायत नरियावत के मदरसे की तरफ। मदरसा है क्योंकि ये भी एक शिक्षा का मंदिर ही कहा जाएगा या शिक्षा से ही रिलेटेड है। हमारे जानना चाहेंगे आज 14 फरवरी का दिन है और इसके बारे में क्या जानकारी रखती है और जनता को क्या बताना। बहुत बहुत आपका सम्मान है, स्वागत है हमारे और तारीख साहब 14 फरवरी के क्या शोक मनाना चाहिए, बहुत ही उनका विचार रहे हैं। इनके साथ में विद्वान हाफिज जी बैठे हुए हैं हमारे,
मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पिछले साल 14 फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक जो हुआ था, तो उसमें तकरीबन 40 सैनिक हमारे जो मौती घाट उतार दिए गए थे, तो मैं उसकी आलोचना करता हूं और एक मैसेज और देना चाहता हूं कि हमारे देश के जनाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जनाब अमित शाह जी से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्हें आज के दिन ये चाहिए था कि आज सारी जगह जैसे हमारे स्कूल हैं, मदरसे हैं या सरकारी जो भी चीज़ें हैं उनका अवकाश होना चाहिए। तो आज हम उपस्थित हैं ग्राम पंचायत नरियावल में ग्राम पंचायत अधिकारी महोदय श्री रविकांत यादव जी के ऑफिस कार्यालय में, और आज जो विशेष दिन है 14 फरवरी उसके संबंध में जो रविकांत यादव जी हैं एक जिम्मेदार अधिकारी भी हैं, जानना चाहेंगे उनके क्या विचार हैं, किस बेस में देखते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं वो 14 फरवरी का ये दिन। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और जो आज 14 फरवरी का दिन है इस संबंध में आपको क्या लगता है? देखिए 14 फरवरी केवल हमारे देश में अगर वैलेंटाइन डे के रूप में आज मनाया जाए तो मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। वैलेंटाइन डे अपनी जगह है और प्रेमियों का अपना दिवस है, कोई अतराज नहीं है मुझे, लेकिन ये 14 फरवरी इतना मीनिंगफुल है हमारे पुलवामा के शहीदों से संबंधित, क्योंकि पुलवामा के शहीद आज के दिन हुए थे और उनकी शहादत को याद करना जो देश पे कुर्बान हो गए बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छे विचार व्यक्त किए हैं अभी हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी महोदय ने सुनील यादव के साथ जो सांसद अध्यक्ष रह चुके हैं उनके आवास पर, तो आज 14 फरवरी का जो दिन है जानना चाहेंगे उनसे कि वो मतलब इसे किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं या क्या विचार है उनके। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और अध्यक्ष जी आप बताना चाहेंगे आज 14 फरवरी है उसे आप। देखिए आज 14 फरवरी को लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लेकिन मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं कि उनको ये भी ज्ञात रहे कि आज ही के दिन पिछले गत वर्ष 40 सीआरपीएफ के जवान हिंदुस्तान के जो मारे गए थे उनके शहादत दिवस के रूप में भी उसको मनाएं और अपनी श्रद्धांजलि उनको समर्पित करें। हम पूर्णतः अपने सैनिकों के साथ हैं, देश का हर नागरिक अपने सैनिकों के साथ है, और मैं चाहूंगा सभी देशवासियों से कि वो उनके लिए शहादत दिवस के रूप में आज 14 फरवरी को मनाए और उनके लिए कामना करें, उनके बच्चों के भविष्य के लिए और अपने देश के लिए भी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो में हम आ गए हुसैनी मस्जिद सीरिया में जहां हमारे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग खड़े हुए हैं, और आज 14 फरवरी का जो ये दिन है इसके संबंध में उनसे कुछ जानकारी चाहेंगे। 14 फरवरी है, इसके बारे में आप क्या बता रहे हैं? आज का दिन हम पुलवामा शहीद दिवस के रूप में मना रहे हैं, और आज इमाम साहब ने स्पेशली भारत की रक्षा में जो भी शहीद हुए हैं उनके लिए दुआ की है, और उनके लिए समाज के सभी लोग दिवस के रूप में आज मना रहे हैं, और ज़्यादातर जो युवा समाज है वो आज वैलेंटाइन डे के रूप में मना रहा है, क्योंकि मुस्लिम कल्चर में और हिंदू कल्चर में वैलेंटाइन डे कहीं भी कोई जगह नहीं। तो मैं आज सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन कम से कम 2 मिनट के लिए जितने भी शारीरिक सरकारी संस्थाएँ उनमें 2 मिनट के लिए शोक व्यक्त किया जाए और इस दिन के लिए पुलवामा शहीद दिवस के नाम से। तो देखा आपने, तो हमारे मुस्लिम भाई है वो कह रहे हैं 14 फरवरी का जो दिन है वो वैलेंटाइन डे नहीं पुलवामा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और हम पहुंच चुके हैं अब अंतिम पड़ाव पर, 14 फरवरी है आज, और आज हमारे बीच सम्मानित व्यक्तित्व के रूप में श्री शरद यादव जी बैठे हुए हैं जो ग्राम प्रधान परातासपुर के ग्राम प्रधान भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे UP9 न्यूज चैनल में प्रधान जी, और आज 14 फरवरी का दिन है। इस जो 14 फरवरी है इसके इस दिन बहुत ही विशेष घटना घटित हुई थी, इस संबंध में आपको कुछ जानकारी है मार्गदर्शन क्या बताना है? जी जानकारी है, क्योंकि तो मैं भी पूर्व सैनिक रहा हूँ। 14 फरवरी वाले दिन हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। जो 40 जवान शहीद हुए थे उनके परिवार वालों को आप क्या संदेश दिया? उनके परिवार वालों से मैं यही कहना चाहूँगा कि धैर्य रखें और भारत माँ के सपूत होते ही बलिदान के लिए हैं, पैदा होते ही हैं बलिदान के लिए, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी
आशीर्वाद जो छोटे बच्चे हैं उन परिवारों के, और मैं यही कहना चाहूँगा कि वो धैर्य से काम लें और हिम्मत बनाए रखें और आने वाली पीढ़ियों को सेना में जाने के लिए ना रोके उन्हें जाने। तो देखिए किस तरह से संवेदनाएं व्यक्त की हैं ग्राम प्रधान जी ने, और इसी के साथ में मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि जो अभी पेंशन रोक रखी है सैनिकों के परिवारों के लिए, क्या वो पेंशन व्यवस्था सरकार को शुरू करनी चाहिए? देखिए सरकार को तो बहुत सारी सुविधाएं देनी चाहिए उन शहीद परिवारों के लिए, जैसे पहले भी होता था पेट्रोल पंप, उसके साथ साथ बहुत सारी पट्टे के लिए जमीन भी दी जाती थी, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से ये सारी सुविधाएं शहीद सैनिकों के परिवारों को नहीं मिल पा रही हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत जल्द से जल्द उन 40 शहीदों के परिवारों के साथ साथ बाद में भी जो शहीद परिवार हुए हैं तो उन परिवारों को भी ज़्यादा से ज़्यादा सरकार सुविधाएं देने का। जी 14 फरवरी को जैसे अधिकतर लोग बता रहे थे वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में सब ये भूले बैठे थे, लेकिन हमारे प्रधान जो एक सजीव व्यक्ति है उन्होंने बताया कि किस तरह से पुलवामा अटैक हुआ था। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही जानकार व्यक्ति है, और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। इसी के साथ कैमरामैन वीर सक्सेना के साथ मैं बिमलेश शर्मा, आप देख रहे हैं ABP9 न्यूज़, हर खबर आप।